Welcome to one and all. We started with the chapter number systems from CS1 and we completed all types of conversions here. Okay, the numbers like binary numbers, octal number, decimal number and hexadecimal numbers. तो हमने ये सारे conversions complete कर लिए हैं and I hope you all are practicing more and more for these conversions. So next topic we are dealing with BCD, ASCII and EBCDIC code. Okay, मतलब क्या है कि हम कीबोर्ड से अगर कुछ भी बटन प्रेस कर रहे हैं सो व्हाट इज द मीनिंग हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी उसका कोड क्या है सो दिस वी विल गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास लेट्स सी द फर्स्ट वन बीसीडी कोड सो फुल फॉर्म ऑफ बीसीडी इज बाइनरी कोडेड डेसिमल ओके बीसीडी सो बाइनरी कोडेड डेसिमल मीन्स डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट किया है बाइनरी में ओके व्हेन वी आर यूजिंग बाइनरी नंबर्स फॉर हायर डेसिमल नंबर्स इट बिकम्स अ लॉन्ग चेन ऑफ 0 1 लाइक इफ यू आर यूजिंग मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करती हूँ इफ यू आर हैविंग 102 का बाइनरी आपको फाइंड आउट करना है ओके यू विल डिवाइडेड बाई 2 यू विल हैव 51 हियर रिमाइंडर इज 0 Again, you will divide it, then it will be 25, remainder is 1. Again, it will be 2, then remainder is 1. 2 se divide kiya, again 6, remainder is 0. Then again, if you will divide it by 2, remainder is 0. You will divide it by 2, then it will go one time with remainder 1 and this 1 will be forwarded here as it is. So you can see कि ये 102 के लिए कितना बड़ा कोड हो गया है and if you will write this code 1100110 so this is a binary code for 102 okay so जैसे जैसे आपका decimal number बढ़ेगा वो binary number भी बहुत बड़ी chain बन जाती है so what we are having here कि ये जो बड़ी चेन बन रही है अगर डेसिमल नंबर बड़ा हो रहा है तो उसकी चेन 0 1 में बहुत बड़ी बन रही है तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए टू अवॉइड दिस डिफरेंट बीसीडी कोड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स ओके सो नंबर जो भी है आपके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जब आपके नंबर्स बहुत बड़े हैं सो वी आर यूजिंग बीसीडी कोड ओके 8421 BCD code is very common method to represent decimal numbers. So this is already given to you 8421 code. Okay, so this is very common method to represent decimal number. So you can represent decimal number from 0 to 15 here. Okay, 8 plus 4 plus 2 plus 1. In BCD code, each decimal number is represented by 4 bit. So aap BCD code mein agar aapko 0 bhi represent karna hai, तो उसका बाइनरी नंबर क्या होगा 4 times 0 होगा इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट 1 देन इट विल बी 0001 क्लियर देयर आर डिफरेंट मेथड्स लाइक 5421 बीसीडी कोड 5311 बीसीडी कोड बट द मोस्टली यूज्ड मेथड इज 8421 बीसीडी कोड व्हिच वी ऑलरेडी डिड ओके इन आवर लास्ट क्लास ये हमने कोड कंप्लीट किया है और अभी इसी को हमें पूरे चैप्टर में यूज भी करना है ओके सो लेट्स सी एडवांटेजेस ऑफ बीसीडी कोड द लेंथ ऑफ नंबर इज शॉर्ट तो अगर इससे हम कौन से भी बड़े डेसिमल नंबर का भी बाइनरी फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या हो जाता है बहुत छोटा हो जाता है इजी टू कन्वर्ट टू एंड फ्रॉम बीसीडी तो बी सी डी टू डेसिमल और डेसिमल टू बी सी डी कन्वर्जन क्या हो जाता है सिंपल हो जाता है सुटेबल फॉर हेक्सा डेसिमल एडिशन तो हेक्सा डेसिमल नंबर को अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है लाइक दिस एफ एफ टू सी अगर ये नंबर्स को हमें ऐड करना है सो दिस इज सुटेबल वाई क्योंकि एफ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 times 1 सेकेंड वाले एफ की जगह पे भी क्या लिखेंगे 4 times 1 टू के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0010 सी के प्लेस पे लिखेंगे 1100 ओके
So addition will be simple. Okay, how we will do this, we will see in our next class. Okay, तो hexadecimal number के लिए, addition के लिए ये concept BCD code का अच्छा है. Okay, now the next example. Decimal to BCD, decimal number is 539. So just you have to separate number whatever you are having. Okay, 539 को मैंने separate कर दिया and I wrote binary in 4-bit pattern. So 5 का binary है, according to 8421 code, 5 का binary क्या होगा, 1 और 4 के place पे हमें 1 लिखना है, 4 plus 1 will give you 5, तो 1 और 4 के place पे 1 लिखना है, बाकी सब जगह 0 होगा. 3 के लिए binary क्या होगा, 2 plus 1 will give you 3, तो 2 और 1 के place पे 1 1 आएगा. 9 के लिए क्या होगा, 8 plus 1 will give you 9. Okay, तो 1001. Clear? Just club these binary numbers and write down in base, that is, this number is BCD code. Okay, always represent your number with base required, because if you won't represent it, so you will lose your half to one mark. Okay, for in each problem. So just represent your final answer like this. Bas, that's it you have to do. Okay, just write down the binary in 4-bit pattern, club it, write down the base and represent in appropriate manner. Okay, so these problems are very much simple. Next, your number is 406. So you can see yahan pe 0 bhi hai. Maine kya kiya yahan pe? 406 तीनों को मैंने सेपरेट किया. आई रोट द बाइनरी ऑफ 4, दैट इज, अभी मैंने अगर यहाँ पे 8421 कोड आपके सामने लिखा है, तो 4 तो मुझे डायरेक्टली मिल रहा है, तो 4 के प्लेस पे अगर मैंने 1 लिखा, सो आई गॉट बाइनरी ऑफ 4. 0 कैसे मिलेगा, सारे प्लेस को मैंने अगर 0 कर दिया, सो आई विल गेट 0. सो 0 का बाइनरी इज 4 टाइम 0. 6, 4 प्लस 2 विल गिव यू 6. ओके, तो 4 और 2 के प्लेस पे 1 1, बाकी सारी प्लेस पे 0 0. So you will get 6. Okay, now just club these binary numbers. Okay, put space in between two numbers. ठीक है, कहीं भी दो number के बीच में बस आप एक space दे दो. Club this number, write down the base, that is BCD, which is required. Okay, and represent your answer in this format. Okay, that you got 406 to the base 10, ये value के लिए आपको BCD code क्या मिला, 0100, then 4 times 0, then 0110. Okay, you got this BCD code for 406 to the base 10. Okay, now the next, opposite of this BCD to decimal, then what you are supposed to do, see here, as you are having BCD number, just make group of 4 bit from LSB. Right hand side जो भी है, that part is your LSB. वो side क्या है आपका? LSB, that is least significant bit. तो represent in 4 bit pattern. ठीक है? तो मैंने ये इसमें से सारे 4-4 bit को separate कर लिया. You can see this. मैंने इसको separate कर लिया. Now, what is the binary according to this 8421 code? ये binary जो लिखा है, तो इसका base 10 value क्या है? 8 और 1 के place पे अगर मैंने 1 लिख दिया, तो ये क्या हो गया? This is the binary of 9. 8 plus 1 will give you binary of 9. तो मैंने यहाँ पे भी 9 लिख दिया, and here also it is 9. Okay, because it is same. 2 और 1 के place पे 1 लिखने से मुझे क्या मिल रहा है? 2 plus 1, that is 3. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3. ओके, जस्ट क्लब दिस नंबर्स, पुट हियर बेस 10 एंड रिप्रेजेंट योर आंसर इन दिस फॉर्मेट विथ बेस. ओके, बेस इज रिक्वायर्ड, सो रिप्रेजेंट एवरी आउटपुट विथ बेस. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, सी हियर, यू आर हैविंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. अभी इसमें क्या करना है, सेम वे यू हैव टू मेक ग्रुप ऑफ 4-4 बिट फ्रॉम LSB, दैट इज फ्रॉम राइट हैंड साइड. ओके, राइट हैंड साइड में आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ, बट अकॉर्डिंग टू बाइनरी नंबर इट इज़ नोन एज LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट.
सो यहाँ से मुझे 4-4 बिट का ग्रुपिंग बनाना है. सी ओके, सो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट, इफ़ यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर यूजिंग 8421 कोड, देन वॉट वी आर गेटिंग इन बेस 10. सो इफ यू विल राइट 421 के प्लेस पे अगर आप 1 लिख रहे हो, देन वॉट यू आर हैविंग 4+2+1, दैट इज 7. ओके, अगर सिर्फ 4 के प्लेस पे 1 लिख रहे हो, बाकी सब प्लेस पे 0, देन इट इज़ बाइनरी ऑफ 4. अगर सिर्फ 8 के प्लेस पे 1 लिख रहे हो, बाकी सब प्लेस पे 0, देन इट इज़ बाइनरी ऑफ 8. ओके, सो जस्ट रिप्रेजेंट योर नंबर्स, देन क्लब दिस नंबर एंड रिप्रेजेंट योर फाइनल आउटपुट. ओके, नाउ वन मोर प्रॉब्लम. इफ आई गिव यू प्रॉब्लम लाइक दिस, 10 10 00 11 10. ओके, इफ दिस आई विल राइट, नाउ यू हैव टू डू 4 बिट ग्रुपिंग फ्रॉम LSB. ओके, तो मैंने यहाँ से ग्रुप किया, सॉरी मेक इट 0. ओके, 0, फिर यहाँ से ग्रुप किया और ये. सो मेरे पास नंबर क्या मिला, 10 1000, देन 1000. ये मेरा ग्रुपिंग हो गया. नाउ यू कैन सी दिस इज ओनली 2 बिट, मेक इट 4 बिट, उसके पीछे 0 लिखो. नाउ इफ यू विल रिप्रेजेंट इट, दिस इज 2, दिस इज 8 एंड दिस इज 8. ओके, नाउ व्हाट इट मीन्स, दिस इज द BCD कोड फॉर 288 विद बेस 10. ओके, सो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जहाँ पे आपको बीट कम है लास्ट वाले वैल्यू के लिए, सो जस्ट ऐड रिक्वायर्ड बीट टू मेक 4 बीट. ठीक है, 4 बीट बनाने के लिए जितना भी बीट रिक्वायर्ड है यू कैन ऐड. ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फॉर BCD कोड. सो इन एग्जाम वॉट एवर यू आर गेटिंग, यू विल गेट फॉर योर BCD कोड ओनली. क्लियर, BCD कोड के लिए ही आपको प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछेंगे. नेक्स्ट वन, ASCII कोड. अब ये आपने सुना होगा और इन फ्यूचर इन प्रोग्रामिंग यू विल यूज दिस. ओके, ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया. ASCII कोड इज ऑफ 7-bit और 8-bit. ASCII कोड क्या रहता है, या तो 7-bit का हो सकता है या तो 8-bit का हो सकता है. ओके, इट इज़ यूज फॉर एवरी सिंबल, कैरेक्टर्स एंड नंबर्स. नंबर्स तो बाय डिफॉल्ट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट इन एडिशन इट इज़ यूज फॉर सिंबल एंड कैरेक्टर्स. ओके, सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक चार्ट अभी आपके सामने शेयर किया है, वेयर यू कैन सी कि अगर डेसिमल नंबर है, ओके, डेसिमल नंबर है, तो ASCII कोड क्या है और उसका बाइनरी क्या है. क्लियर, तो अभी देखते हैं इसमें जो रिक्वायर्ड है, जो अभी आप अगर देख रहे हो यहाँ पे, सी इफ़ यू वांट टू पुट हैश, तो हैश के लिए कंप्यूटर में क्या कोड जा रहा है, 00 1000 11. ओके, व्हाट इट मीन्स, यू आर टाइपिंग 35 इनडायरेक्टली. ओके, सेम फॉर दिस एंड सिंबल, एंड के लिए क्या जा रहा है, 00 1000 11. ओके, इनडायरेक्टली इट इज़ अ कोड ऑफ 38. तो ये पहले से ही उसमें मीनिंग स्टोर है कंप्यूटर में. ओके, नाउ सी द थिंग इज, नेक्स्ट मीनिंग कैपिटल ABCD, वो फॉर दिस यू कैन सी कि ये 65 से स्टार्ट हो रहा है. सो फॉर योर फ्यूचर प्रोग्रामिंग पर्पज, जस्ट कीप इन माइंड कि कैपिटल ABCD और अपर केस ABCD का ASCII कोड कहाँ से स्टार्ट होता है, 65. इफ यू विल राइट बाइनरी ऑफ 65, देन इट इज द ASCII कोड ऑफ A. ओके, एंड इट विल बी इन सिक्वेंस, A to Z के लिए ये पूरा सिक्वेंस में है, दैट इज 65 to 90. ओके, तो यहाँ तक आपको ये सिक्वेंस में मिलेगा पूरा ABCD. अगर B का आपको बाइनरी कोड चाहिए, तो जस्ट यू हैव टू राइट द बाइनरी कोड ऑफ 66, सो दैट कंप्यूटर को क्या पता चलेगा, दैट यू हैव टाइप B. ओके, नाउ सी लोअर केस A to Z, इसके लिए बाइनरी कोड कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर उसका हम डेसिमल नंबर देखेंगे तो क्या है, 97 97 to 112. ओके,
तो 97 का अगर आप बाइनरी एंटर करते हो, व्हाट इट मींस, आपने ASCII कोड ऑफ A एंटर किया है. क्लियर? तो अगर हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल से ABCD टाइप कर रहे हैं या तो कुछ भी मैसेजेस टाइप कर रहे हैं, सो जस्ट ट्राई टू थिंक कि प्रोसेसर कितना फास्ट है कि वो हर एक ABCD का उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक भी करता है एंड इट एक्सेप्ट्स योर ABCD और एनी काइंड ऑफ सिंबल. ओके, सो दिस इज योर ASCII कोड चार्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, ABCDIC कोड. इट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड. ठीक है, जस्ट यू हैव टू लर्न दिस फुल फॉर्म ऑफ दिस. एंड इट इज 8-bit कैरेक्टर एनकोडिंग. अभी जैसे ASCII कोड क्या था, 7 और 8-bit, कहीं पे 7-bit भी हो सकता है, कहीं पे 8-bit भी हो सकता है. ओके, नाउ यू कैन सी दिस कि 7-bit 8-bit मैक्सिमम इट वॉज 8-bit. ठीक है, तो ये ASCII कोड का प्रॉपर्टी था. नाउ हियर ये फीचर क्या है इसका, कि ये हमेशा 8-bit कैरेक्टर एनकोडिंग ही होगा. ओके, सी दिस, जस्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही लिया है ये. सी हियर, इफ यू आर हैविंग बाइनरी कोड ऑफ दिस ए, तो वो क्या होगा, 1100001. ओके, इफ यू विल ट्राई टू राइट, क्या होगा ये 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो व्हाट इट मींस, 2 raised to 6 इज 64, 128 प्लस 64 प्लस 1, 8 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 13 9 193. ओके, सो इनडायरेक्टली इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 193. ABCDIC कोड इज स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल नंबर 193. ओके, अगर आपने, आपको ABCDIC कोड यूज करके ए टाइप करना है, सो यू हैव टू एंटर द बाइनरी कोड ऑफ 193. ओके, नेक्स्ट विल बी 194. ओके, ऐसे 195, ये कॉन्स्टेंटली आपका ऐसे ही रन होता रहेगा. क्लियर? सो दिस इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड. ओके, एंड इट इज 8-bit ओनली. यू कैन सी कि ये कम्प्लीटली 8-bit है. जहाँ पे भी आप देख रहे हो, इफ़ यू विल काउंट दिस, दिस इज 8-bit. ओके, 4-bit अगर आप देख रहे हो तो दिस इज 8-bit. क्लियर? जस्ट कीप इन माइंड दैट ABCDIC कोड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 193. ये कौन सा नंबर है, ये बेस 10 नंबर है, डेसिमल नंबर है. ओके, सो दीज आर योर 3 टाइप्स ऑफ कोड, BCD कोड, ASCII कोड एंड ABCDIC कोड. एंड इन योर एग्जाम यू विल गोइंग टू डू ओनली BCD कोड. ओके, BCD कोड के प्रॉब्लम्स ही आपको सॉल्व करने हैं एंड बाकी जस्ट 2 कोडिंग का आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है. ओके, सो प्रैक्टिस फॉर दिस BCD कोड एंड ट्राई टू लर्न द फुल फॉर्म ऑफ ASCII एंड ABCDIC कोड. एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इज बाइनरी एडिशन. एंड यू विल रियली लव दिस टॉपिक, कि अगर आपको बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना अभी अगर आप सीख गए हो, तो हाउ टू डू द एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स. ओके, सो फॉर दिस क्लियर योर ऑल काइंड ऑफ कन्वर्जन्स प्रॉपरली, अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, सो दैट यू विल लर्न, यू कैन लर्न दिस बाइनरी एडिशन. ओके, थैंक यू क्लास.